बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड, मैं अपने चैनल पर आप लोगों को वेलकम करती हूँ। बहुत सारी दुआएं आप लोगों के लिए। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुर्रम रखे, आमीन। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, इसी तरह फूलों की तरह खिलाते रहें। फ्रेंड, आज की वीडियो जो मैं लेकर आई हूँ, ये बहुत प्यारे प्यारे कुरेशी से बनाए गए पैटर्न हैं, और आप इन्हें देखकर प्यारे प्यारे फ्लावर बना सकती हैं। देखिए कितने खूबसूरत कलर और कितनी फिनिशिंग के साथ बनाए गए हैं। आप हमारी वीडियो को देखें, आइडिया लें और बनाने की कोशिश करें। जब फ्रेंड हमें थोड़ा सा तरीकाकार आता हो, जब हम कोशिश करते हैं, तो हमें सारे डिज़ाइन और सब तरीके आहिस्ता आहिस्ता समझ में भी आ जाते हैं और बना भी सकते हैं। ये पैटर्न आपको जो नज़र आ रही है, पत्ती बनी हुई, ये देखने में कितनी खूबसूरत है, ये बनाने में भी इजी है, क्योंकि मैंने इसकी वीडियो भी अपने चैनल पर पहले अपलोड की है। कुरेशी वर्क की छोटी छोटी सी चीज़ें आप बनाने के लिए ट्राई करें, जो न्यू बिगनर्स है उनके लिए ये वीडियो में बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत फ्लावर, प्यारी प्यारी चीज़ें और तरीकाकार भी आपको आ जाएगा। जब हम स्टार्ट करने लगते हैं तो हमें थोड़ी हाथ हमारा थोड़ा सिलो चलता है, और वक्त के साथ साथ जब हमें ट्राई करते हैं तो बहुत अच्छे से बना लेते हैं। फ्रेंड, ये फ्लावर आप देखें कितने प्यारे और कितने खूबसूरत कलर लग रहे हैं, और ये भी इसी तरह आप छोटी छोटी चीज़ें बनाने के लिए तैयार हो जाएं और बनाकर देखें। आपके पास घर पर छोटी छोटी कोई ऊन हो या नहीं है तो आप मार्केट से ले लें। देखिए कितना प्यारा सा एक मैट बनाकर दिखाया हुआ है, और ये जो फ्लावर है इसमें इसके साथ ही एक छोटा सा रिबिन का फ्लावर भी बनाकर रखा हुआ है। और ये मैट आप देख सकते हैं, आप ये ग्लास कवर या आप कप कवर, और ये देखें आप रबड़ बैंड आपको नज़र आ रहे हैं। आप बहुत सारी चीज़ें बच्चों की, बड़ों की, अपने लिए बना सकते हैं। जब विंटर सीज़न हो तो आप प्यारे प्यारे शूज़ बना सकते हैं, नेक वार्मर, और ग्लव्स बना लें, मोबाइल का पाउच बनाएं, हैंडबैग, ज्वेलरी, शर्ट की डिज़ाइनिंग ही दिखाई जा रही है कि आप इस तरह नेक भी बना सकते हैं। तो इसमें छोटे छोटे पैटर्न हैं, और ये एक स्कार्फ, शॉल या नेक वार्मर, मुख्तलिफ नाम हैं इनके, तो हम अपनी वीडियो में पैटर्न दिखाए हैं। आप इसे देखकर छोटी छोटी डिज़ाइनिंग बनाएं और अपने रूम के लिए, अपने बेडरूम के लिए चीज़ें तैयार करें, ताकि देखने वाले भी खुश हों और आप भी खुश हों। बनाने वाला तो बहुत ही खुश नज़र आते हैं, क्योंकि उनको अपने शौक से चीज़ें बनाई हुई।